इस वक्त टीम लीज सर्विसेज के चेयरमैन मनीष सबरवाल से हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो चेंजेस हुए हैं एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स में, उस पर बातचीत करने के लिए हमने मिस्टर सबरवाल को इस शो में शामिल किया है। मिस्टर सबरवाल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले संभावनाएं ये जताई जा रही है कि बैंकिंग स्पेस से थोड़ी डिमांड बढ़ी है, क्या आपने देखा है ऑन ग्राउंड बैंकिंग स्पेस किस वक्त ज्यादा जरूरत है लोगों की, क्या वहां से डिमांड बढ़ रही है? बैंकिंग और फिनटेक जो जैसे पेटीएम और डिजिटल वॉलेट्स, उन सब का स्पेस कन्वर्ज हो रहा है, तो बैंकिंग और अगर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज को लें तो बहुत डिमांड बढ़ी है, क्योंकि फीट ऑन स्ट्रीट जो लोगों को साइन अप कर लिए गए हैं, जो पेनिट्रेशन की अपॉर्चुनिटी मिली है डिजिटल वॉलेट्स, बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज को, उसको एडवांटेज लेने के लिए तो बहुत एडवांटेज काफी अपटिक हुआ है हायरिंग में इन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड। ओके, तो कुछ खबरें पढ़ रहे थे हम कि आपने 7,000 एम्प्लॉयज को ऐड किया है अक्टूबर और नवंबर में, क्या ये आंकड़ा सही है? 4,000 दिसंबर में, क्या ये आंकड़ा सही है? जी जी, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल वॉलेट वगैरह में इतना डिमांड हो चुका है, इनफैक्ट हम तो और भी लोग ले लेते अगर हमको मिल जाते, लेकिन वो ही जो पुरानी स्किल क्राइसिस की बात होती है, लोगों के माइग्रेशन की बात होती है, लेकिन डिमांड अभी शॉर्ट टर्म में तो और मीडियम टर्म में भी सस्टेन करेगा, काफी डिमांड है फाइनेंशियल सर्विसेज और डिजिटल वॉलेट। ओके, बट इसका कोई साइड इफेक्ट भी आपने देखा है, इन द सेंस नेगेटिव इफेक्ट, कहीं पर कोई ऐसा सेक्टर जहां पर डिमांड अचानक से काफी कम हुई हो 9 नवंबर के बाद? देखिए, फॉर्मल सेक्टर में तो इतना कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, इनफॉर्मल सेक्टर में हुआ है, और मेरे सबसे शर्मिंदा डिस्कशन मुझे होता है जब लोग इनफॉर्मल सेक्टर को डिफेंड करते हैं, तो जो लोग प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, मिनिमम वेज नहीं देते उनको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि ये फॉर्मल सेक्टर का जो अपटिक डिमांड में हुआ है, क्योंकि बहुत दिन से इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर को अनकम्पेटिटिव बना रही थी, तो अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो हुआ नहीं है, और लॉन्ग टर्म में तो क्लियर एडवांटेज है फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स का, फॉर्मल सेक्टर के वेजेस का, तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो इमीडिएट अपटिक हुआ है वो तो क्योंकि स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स हैं फॉर्मल सेक्टर में जिनका सेल्स, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक्स में अपटिक होगा, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर। एक सवाल मेरा यहाँ पर अभी जो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा बढ़ रही है जॉब्स, वहां पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो क्या लगता है आप जैसी कंपनियों के लोग अब ज्यादा अप्रोच करेंगे? बिकॉज कल भी हमने देखा सरकार ने कुछ चेंजेस किए जिस तरह से पेमेंट की जा सकती है अपने एम्प्लॉइज को, तो क्या आप लगता है जो फॉर्मल हायरिंग कंपनियां हैं उनका कारोबार ओवरऑल ज्यादा बढ़ने वाला है? देखिए, 6 करोड़ एंटरप्राइजेस हैं इंडिया में, लेकिन सिर्फ 18,000 कंपनियां हैं इंडिया में जिनकी पेड अप कैपिटल सिर्फ 10 करोड़ से ज्यादा है। ये बहुत गलत बात है, इतनी इनफॉर्मेलिटी, कोई इकोनॉमी इतनी नहीं है कि 6 करोड़ एंटरप्राइजेस सिर्फ 18,000 कंपनी में ट्रांसलेट करें, तो फॉर्मल एंटरप्राइजेस का जो डिसएडवांटेज था डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा तो ख्याल ये है कि अगले 3 साल में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट 10% से 20-30% तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर का जो अनफेयर एडवांटेज था वो धीरे धीरे चला जाएगा। हाँ, लाइफ मिस्टर सबरवाल, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे